पकड़ ली। हो, 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 हो। ये देखें गाइस, सेंटीपीड हमने पकड़ी। हमारे मॉटलेट बेंटम के चूजे हैव अराइव्ड। शुरू होगी। ये देखो इस तरह गोते मारती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ मैं किथे आ गया कि आप सब बेहतरीन होंगे। और गाइस, हमारे मॉटलेट बेंटम के चूजे हैव अराइव्ड। यार ये हमारे में बहुत शॉर्ट हो गए थे, तो आज जेबी भाई ही लेके आए हैं सुबह के सुबह। और मैं सोया हुआ था और जेबी भाई दरवाज़ा कूट 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 रह गए, लेकिन मैं उठा नहीं। खैर आधा घंटा तिखड़ दोपहर के अंदर जेबी भाई ने अपने बाल सफ़ेद किए, थोड़ी देर में उठा, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और सामने ये सरप्राइज़ खड़ा था। तो ये देखें हमारे छोटे छोटे छुटकू। मैं ना दरवाज़ा खोल के आपको दिखाता हूँ कितने प्यारे प्यारे हमारे चूचूज हैं। ये तो सारे चूजली के भाई हैं, देखो चूजली जैसे हैं सारे के सारे। जेबी भाई आप क्या कर रहे हो भाई? मैं बोतल इसलिए मांग रहा था, ये चूजों के लिए मैं पानी भर रहा था। हाँ, इधर सिंक पे। एंड देन आई जस्ट सॉ समथिंग कि यहाँ पे सेंटीपीड है भाई, और ये वाला वॉशरूम आमतौर पे यूज नहीं होता ये चूजों वाले कमरे का है, तो मैं इसको भी बोतल में पकड़ने की कोशिश कर लेता हूँ। जेबी भाई ये तो जहरीली होती है, हाथ में ना काट ले आपके। बाद में देखेंगे। गाइस देखे भागती कैसे। नहीं इधर नहीं जाना, इसके अंदर नहीं जाना। हाथ से पकड़ लो जेबी भाई, है ना, हाथ से पकड़ लो। यार चंगा वगैरह लग दे यार, लगता जेबी भाई ना आज इसको पकड़ के दम लेंगे। यस गई। पकड़ ली। ये देखें गाइस, सेंटीपीड हमने पकड़ी। यार ये कितनी खतरनाक है जी भाई, इसके अंदर कौन सा न्यूरोटॉक्सिन होता है? इसके अंदर तो न्यूरोटॉक्सिन ही होता भाई। हाँ, न्यूरोटॉक्सिन सिर्फ सांप के जहर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, हीमोटॉक्सिन? पता नहीं, मुझे भी शोर शॉर्ट नहीं पता, अभी इस पे रिसर्च करेंगे ना भाई। आई प्लान ऑन रेजिंग इट, मैं तो मार में नहीं। हम सेंटीपीड पालेंगे यार। मैं तो पालूंगा, तुम तो कौन को उड़ा सकते हो? ओके डन करो, हम इसको पालेंगे। गाइस ये हमारा न्यू पेट आ गया। होली शिट, हाय हाय कितनी गंदी है। अल्लाह हू अकबर, इसको अब कैसे रखेंगे जेबी भाई? ये पहली बात तो ये कि वाली बोतल इसके लिए अनफिट है, इसके लिए कोई ना कोई दूसरा इंतजाम पहले करते हैं। कोशिश है, ये देखिए गाइस सेमी हुई है, इसको अभी इसके अंदर निकाल लेते हैं ताकि ये मरे ना। ये देखें गाइस, यार मेरी खारिश हो रही है सर के अंदर। अल्लाह, ये निकल तो नहीं पाएगी ना जेबी भाई इसके अंदर? नहीं, शीशे के ऊपर इसके पाँव स्लिप होंगे, इसलिए तो इसमें छोड़ा है। हाँ यार, इसके कितने पाँव होते हैं? ये नो गाइस, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इस इमेज का, और ना मुझे गिन के ना कमेंट्स में बताना है कि इसके कितने पाँव होते हैं। तो जेबी भाई इसको इधर ही पड़ा लेने दें, ठीक है? ठीक हो गया। 36 है, 36 पाँव है। शाजल ने ना पाँव गिन लिए हैं। शाजल भाई कीड़ों का उस्ताद है। कैनिबलिज्म भाई, वो वाला आपने सेल की तो देखो कि कमर भी खाई है और उसके मोटे के ऊपर जख्म। हाँ ये कोई खा, ये मुझे लगता है जेबी भाई ये पॉलिश खा रहे हैं, ये कैनिबलिज्म पॉलिश कर रहे हैं हमारे भाई। पॉलिश खुद सारे सारे गंजे हुए पड़े हैं, इस वाले फ्लॉप को यार ब्रेकअप करें, ये बहुत बैड हैबिट है। हाँ ये मुझे, ये एक बार डेवलप होगी फिर दूसरे भी कैच ऑन करेंगे। जेबी भाई निकाल के दिखाना एक। गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि चूजों के अंदर भी कैनिबलिज्म कहते हैं कि आप ना अपने अपने ही नस्ल की चीजों को खाना शुरू कर देते हो। ये देखो इसकी कमर के सारे सारे पर खाए गए हैं, और अब इवन इसके गोश्त जो है वो खाना शुरू कर रहे हैं, वो दो जगह से। इसको अलग करना सबसे जरूरी है। हाँ, और ये देखे पॉलिश के साथ भी यही काम हुआ है, कैनिबलिज्म शुरू हुई है। और ये देखो पॉलिश का भी सारा सारा हेड ही खा गए हैं वो लोग। अच्छा तू चाट ले उसको, ये देखें सारा का सारा गाइस उसका हेड उन्होंने खा मारा है, तो यार हमें इनको कुछ करना पड़ेगा। और गाइस इस वाले पिंजरे के अंदर ना एक इशू आया हुआ है, एक चूजे की ना बम बम के ऊपर बहुत सारी बीट जमी हुई है। एक नहीं है भाई, एक से ज्यादा मैंने तो अभी देखा है, एक वो लाइट के नीचे है, दो तीन और हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो वो बम बम हम जरूर साफ करते हैं इनकी ना। ये वाले फुल बटा फुल उसकी बम बम बंद हुई, लॉक हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ये बेचारा इस वक्त एक्सट्रीमली कॉन्स्टिपेटेड है। ये देख रहे हो यहाँ से कितना फूला हुआ है ये, उसकी वजह यही है। इसको अजीब बगैर उसके आप निकाल लोगे क्या कहते हैं उसे पानी के? ओ निकल आई आराम से। ये देखो सूखी हुई है ना, ये देखिए
ये ओपनिंग इसकी टोटली बंद थी। सही हो गया। तो गाइज जब आपके पास चूजे होते हैं ना तो उनकी बम बम चेक कर लिया करो यार, वो ना अक्सर औकात क्या होता है इनके ना रुईया सा होता है, रेशा सा होता है जिसके साथ ना बीट चिपक जाती है, फिर एक चिपकती है उसके ऊपर दूसरी चिपकती है उस पर तीसरी, वो करते रहते हैं और चिपकते चिपकते बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता है। अच्छा मूसा यार आप इनकी आजकल कौन सी वैक्सीन कर रहे हो? यार रिवे मैं ना इनकी कर रहा हूँ एनडी की वैक्सीन आजकल। तो आईबी नहीं कर रहे आप? आईबी यार मैं वेट कर रहा था कि ना मैं जब इकट्ठी हो जाएगा ना काफी सारे चूजे फिर मैं उनकी करूंगा। तो चलो आज मॉटलेट के भी आ गए हैं, ये सिल्की के भी काफी सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। हाँ। तो भाई करना दे यार क्योंकि ये भी नए घर से आए हैं, पता नहीं उन्होंने वैक्सीन की या नहीं की। बस फिर ऐसा करते हैं अभी जाके ना आईबी की वैक्सीन ले आते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं एनडी आईवी की वैक्सीन लेके आते हैं और इन सब चूजों की नाम एनडी आईवी करते हैं, ट्विंकल की भी कर देंगे। हाँ ट्विंकल की भी कर देंगे। और इधर देखो बत्तख का क्या करना है, बत्तख की वैक्सीन होती है? इनकी होती है लेकिन वो बीमारियां और हैं, एनडी का या आईवी का इशू इनको नहीं होता। तो मतलब हम मुर्गी वाली इनकी वैक्सीन नहीं कर सकते? नहीं वो जरूरत ही नहीं है करने को, आप कर सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं। और देख रहे हो ये सिर्फ अभी बाहर निकलने के लिए बेताब है। ये नाइयां भी करता है आज गाइस आपको एंड में ना ब्लॉग के मैं आपको इसकी नाइयां नहीं दिखाऊंगा फुल, ये गोते मारता है बकायदा। लेकिन आप ये देखें कि मैंने इसको खोला है और क्वैक क्वैक के काम देखें, ये पहले से इसको टब की पहचान है, भाग भाग के उसके पास जा रहा है कि भाई इसमें मैंने नहाना है। ये देखें अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और भाई अभी रुक जाओ, अभी अंदर पानी नहीं है, भर रहे हैं आपके लिए पानी। गाइस टब पूरा भर लिया है, अब क्या करते हैं क्वैको को उठाते हैं और ना इसको इधर फटाफट अंदर भाग गया। क्वैको इधर आ, क्वैको आओ जी। हाँ साशा से डर रहा है, साशा को ना अंदर ले जाओ, साशु साशा। हाँ अब नहीं करेगा, देखो देखो कैसे हरकत कर रहा है साशा, दफा हो जाए इधर से, बदतमीजी ना कर, बैठ जा, देखो बैठ गई इधर। अच्छा हुक्म बड़ा मानती है साशा हमारी ना, बड़ी प्यारी बच्ची है। अभी देखना नाइया नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर बाद देखना गाइस ये पता क्या करता है, ये अंदर गोते मारता है, पूरा का पूरा सर अंदर डुबो देगा और डुबो के ना फिर ऊपर को आएगा, पूरा अपने आप को गीला कर लेता है। देखो कैसे हरकत करेगा, देख भाई ये पानी पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो भाई इनके इनके फीट जो है वो वेब्ड होते हैं ना, तो ये बने ही पानी के अंदर चलने के लिए। ये देखें गाइस बेसिकली स्विमिंग। अच्छा जी भाई हमने अभी तक एक चीज नहीं ट्राई की, भला क्या? हमारे पास आईफोन है और ये वाटरप्रूफ है, डाल के देखें। बत्तख वाले गंदे पानी में ना डालें, उसके अलावा डाल के देखें। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वीडियो एडिट करते हुए दोबारा देखना, उसने आती थोड़ी सी सैंपलिंग की है पहले वाटर की। ओ उसने पॉटी कर दी अंदर? यस। गंदी क्वैक क्वैक। अब देखें गाइस इसके अंदर, अब ये देखो देखो शुरू हो गई। ये देखो इस तरह गोते मारती है ये भाई। मुझे लगता है इन्होंने ना सारी अपनी नाइयां नहीं कर ली हैं, तो अब इसको ना इधर ही नहाने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाके ना एनडीआईबी की वैक्सीन ले आते हैं। हाँ चलो ठीक है, शादी को कहते हैं वो फिर घर पे रुकता है, इसको ये नहा रही है इनको फिर बंद कर देगा वो। ठीक हो गया, ओके आ जाओ फिर चले। तो गाइज हम आ गए हैं और हम रस्ते में हैं एनडीआईबी वैक्सीन लेने के लिए निकले हैं, और देखो यार धूप कितनी तेज है। लेकिन आज अच्छी चीज़ पता है क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि हवा काफ़ी चल रही है, देखो झंडे हिल रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा है। तो आ गए हैं यार शॉप के ऊपर, जी भाई अगली वाली वो वाली शॉप है, ओके। तो गाइज शॉप पे आ गए हैं, आप जरा एनडीआईबी लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। गाइज वैक्सीन हमने ले ली और साथ में ये देखो एक साशे भी लिया है, ये डीवर्मर है मुर्गियों का, तो हमारे चूज़ों के पेट में जो कीड़े हैं ना ये उनको मारने के लिए। तो अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, तो यार वेटनरी मेडिकल स्टोर से मिलेगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके मैं पूरा तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे देना। तो गाइज वैक्सीन हम घर में ले आए हैं और आप देख रहे होगे कि लास्ट टाइम जो आईबी वैक्सीन की वीडियो डली थी ना उसके अंदर पानी जो था उसका कलर था रेड कलर का, ये वाइट कलर का। अब ये टैप वाटर नहीं है गाइज, ये डिस्टिल्ड वाटर है, आपने कभी भी टैप वाटर नहीं यूज़ करना होता, उसमें क्लोरीन होती है जो कि आपकी वैक्सीन का नुकसान करेगी, फारिग करा देगी उसको बिल्कुल, ठीक है। तो आपने टैप वाटर नहीं यूज़ करना, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना, और ये आपको कहीं से किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा। या फिर अगर आपने टैप वाटर यूज़ करना भी है तो आप उसके अंदर जो है क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं, क्लोरीन किलिंग टैबलेट्स जिसको कि आमतौर पर नीली टिक्की कहा जाता है उर्फ़ आम में मेडिकल स्टोर्स पर, तो वो नीली टिक्की के साथ जो है आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। और ये ठंडे हैं दोनों, ये दोनों हमने फ्रीज़र में रख के ठंडे किए हैं और अब जो है हम ये वैक्सीन बना रहे हैं। तो जेवी भाई ने थोड़ा सा पानी वैक्सीन की वायल में डाला था, थोड़ा सा मिक्स किया और अब दोबारा सारा का सारा इसमें डाल रहे हैं, और हम ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे, सारे के सारे चूज़ों की आंखों में एक एक कतरा डालेंगे। आप ये पकड़ो, मैं इसको डिस्पोज कर दिया। ठीक हो गया।
गाइज अब टाइम है वैक्सीन का और आप देख रहे होगे वैक्सीन वाली वायल हमने बर्फ के अंदर रखी हुई ताकि ये ठंडी रहे। इसको ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करते हैं बारी बारी इस ये ड्रॉपर पड़ा है इस ड्रॉपर के अंदर हम भरेंगे और एक एक कतरा सारे चूजों के आंख में डाल के हम क्या करेंगे उनकी आंख में डालेंगे और उनको इस जो टब है इसमें ट्रांसफर करते जाएंगे। तो पहली बारी है इन चूजों की। ले जी गाइस इसकी वैक्सीन हो गई। ले जी गाइस वी आर डाउन टू द लास्ट चिक और ये आखिरी जो है ना भागने के चक्करों में भाग गया भी नहीं। और ये आखिरी चूजे की प्यारी प्यारी आंखों में चला गया और ले जी सारे के सारे चूजों की इनकी वैक्सीन हो गई है। अब क्या करते हैं इनको उठा दूसरे गुड्डे की तरफ चलते हैं। हाँ, इनको वापसी कर देते हैं। तो गाइज इस पिंजरे की सारी वैक्सीन हो गई है। अब हम इस पिंजरे पे आए हैं और जेवी भाई ने दो चूजे निकाले हुए हैं और इनकी हम करेंगे बारी बारी वैक्सीन। अब ये देखिएगा कि हमने टब को भी थोड़ा सा अल्टरनेट किया है। ये देखें कि, और ये इसलिए ऊपर कपड़ा बिछाया क्योंकि यार ये बड़े हैं जंप मार के बाहर आ जाएंगे तो हमने इसको थोड़ा सा ढक दिया है ताकि ये बाहर निकल ना सके। नहीं जी गाइज इस पिंजरे की भी सारी वैक्सीन हो गई। अब हम चूजों को दोबारा टब से पिंजरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गाइज अब हम बाहर आ गए और अब जी जो मॉटलेट बेंटर में ये आज ही हमारे पास आए इनको मैंने साइमोसिस दिया हुआ है। अब क्या करते हैं इनकी वैक्सीन करते हैं। छोटे छोटे प्यारे यार ये भाई ये पता है कहाँ से आए हैं? ये मेरे ख्याल से तो भाई फैसलाबाद से आए हैं। देखो यार फैसलाबाद से इतना छोटा चूजा आ गया कितना अच्छा लग रहा है यार मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी दूर से आके से गया। इनको भी हम डब्बे में रख देंगे। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का बेंटम है। हाँ ये अच्छा है। लें जी ये है लास्ट चिक हमारे मॉटलेट बेंटम का और अब जरा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। और अब बारी जो रह गई है ना वो हमारे बंटी और ट्विंकल रह गए हैं। इनकी आईबी पहले भी हुई है इनकी आज दोबारा करेंगे क्योंकि महीना ऊपर हो गया ना से भी 2 महीने हो गया ना। और बतख की नहीं करेंगे हम अपने चूजली की करेंगे। अब बारी हमारे ट्विंकी शहजादे की। ए ट्विंकी ट्विंको। और कभी आपने अपनी ऑडियंस से ये पूछा कि ट्विंकल को मिस कौन कौन करता है भाई? हाँ यार कौन कौन मिस करता है किसी बारी ये नहीं से शुरू हुई थी। हाँ ये हमारा सबसे पहला वायरल मुर्गा और गर्दन मोड़ गया गर्दन मोड़ गया। असल में व्लॉगिंग हमने इसी के इलाज के लिए जो है शुरू की थी। ये हमारा सबसे पहला वायरल चूजा था ट्विंकी से दादा। ट्विंकी 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 चलेगी जी जी इसीलिए तो गर्दन शेक कर रही है देख रहे हो। हाँ आप गई जाओ जी ट्विंकी जाओ जाओ। और अब बंटी आ गया। बंटी को तो बेचारे को पता नहीं क्या बना हमारा बेतुक्का कर दिया मिस्री से भी गंदा लगा मिस्री। हालांकि यार ये सिल्वर पॉलिश है एंड इट इज एक्सट्रीमली रेयर ब्रीड मुर्गियों के अंदर एटलीस्ट पॉलिश के अंदर। नहीं जी इनकी वैक्सीन होगी। अब जेवी भाई मुझे कह रहे हैं कि यार बतख की भी कर देते हैं क्योंकि बतखों के ना एंड ही नहीं होता लेकिन आई बी जरूर होता है तो ये क्योंकि ये एनडी आईबी है तो हम आईबी की वैक्सीन बतख की भी कर देते हैं। ठीक है ना जी भाई? यार डॉक्टर की वजह से मुझे हाल तो देखो यार। आओ जी चूजली चूजलू। कोई नहीं मैं पकड़ लेता। जाओ जी चूजली आप आपकी बैक चू हो गई है। आओ जी क्वैक क्वैक उधर तक हाथ नहीं पहुंचते यार। क्वैक क्वैक को कैसे पकड़ेंगे अब? क्वैक क्वैक इधर आ इधर क्वैकी क्वैकी। तो पोटा देखो जी भाई कितना भर के बैठी हुई है। यस कोई इतना फटने वाला हुआ पड़ा यार उसको पोटा फटने वाला हो पता खा के पानी वाला फुल आधा तो पानी से ना भरा हुआ अपने अंदर। यस इधर आओ कुछ चीज पकड़ते हैं यार। मैं निकालता हूं जी भाई ये पकड़ो आप कैमरा पकड़ो मैं निकालता हूं मेरे हाथ लंबे। ओ चूजी देखो उसकी डिफेंस के अंदर आ गया। आओ जी देखो। हां जी तो आप सही भजन कानून बने हुए हो। चलो आपके हाथ लंबे है ना। हाँ मैं कानून बना हुआ आगे ले लें इसकी वैक्सीन होगी भाई। क्वैक की वैक्सीन होगी। हेलो क्वैक की क्वैक की जाओ जाओ जाओ। और क्वैक क्वैक की अगर आप शोल्डर्स के ऊपर देखो ना तो सारा ये ऊपर से वाइट हो रहा है। हाँ। अगर किसी ने पहले डक्स रखी है तो प्लीज हमें बताएं कि ये किस कलर का बनेगा क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है बिल्कुल जो है ना डक्स के साथ। डक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो यार गाइस कमेंट्स में लाजमी बताना कि यार ये कैसी बनेगी बड़ी होगी।
और उसके आप शोल्डर्स के ऊपर देख रही हो लाइक उसके पर बिल्कुल भी नहीं है, भी नहीं बिल्कुल, लेकिन लेकिन ऊपर जो है ना व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लफ आ रहा है, पता लग रहा है कि पर निकल रहे हैं हमसे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।